ये रोशनी है ना, क्या देख कितनी अच्छी आ रही है। अब हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज डे क्या है शिखा? मंडे। हाँ आज मंडे है और मैं जा रही हूँ, मैं और शिखा हम दोनों जा रहे हैं हेयर कट के लिए। अब देखते हैं हमारा कैसे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट होता है। हम लोगों ने मतलब मैंने तो लास्ट ईयर कराया था हेयर कट नवंबर में, और एक साल हो गया देखो इस वाले नवंबर तक, और शिखा ने भी तभी कराया था। हम दोनों एक ही जगह से करवाते हैं, तो अब हम फिर जाने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसा हमारे बाल होते हैं, हमारी लुक्स में क्या चेंज आता है। पता है बालों के साथ भी ऐसा होता है कि ना अगर ना थोड़ा सा भी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो तो उससे ना लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो देखते हैं, क्योंकि एक ही जैसा ये बोरिंग सा ऐसे बाल देख देख के ना बोर हो गए हैं, और मैंने ना अपने पूरे बाल कलर कर लिए। पहले ऐसे जैसे नहीं है, जैसे पहले थे ना, मैंने यहाँ पर मेरे वो रखे थे हाईलाइट वगैरह, वो सब हटा दिए मैंने, पूरा के पूरे खुद से ही कलर ला के ना कलर कर दिए। ठीक हो गए ना शिखा? देख हाँ, मैं तो बोल रही थी, पता ही नहीं चल रहा है, कहीं कहीं पे हल्के से रह गए क्योंकि मेरे से ठीक से नहीं वो होता है। हाँ चलेगा, तो गोल्डन लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, और वो हाँ वो मेरे से भी होता है, देखो यहाँ पे हल्का सा मेरे जो ग्रे वाले हैं वो दिख रहे हैं, पर अभी होएगा। इधर है थोड़ा ढंग से नहीं होता है वो, अब कुछ ही घर ढंग से नहीं होगा उतना अच्छे से जितना वो लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग हम एक ही वो लेंगे वाटर जितना आता है पाउच या सैश जो भी आप यूज कर रहे हो एक ही उसको। अब वो लोग तो क्वांटिटी थोड़ी देखते हैं, वो तो खूब अच्छे से लगा के आपके कलर को वो मिक्स भी करते हैं कुछ अलग अलग कलर ना, हमारे ऊपर कौन सा सूट करेगा हमसे पूछते भी हैं। हमें तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, हम तो ऐसे ही मंगा लेते हैं, लेकिन फिर ठीक हो गया वाला, वही वाला लेती हूँ इसके मैचिंग वाला ही। मैंने भी लिया था लॉरियल का ही लिया हुआ है ये, पता नहीं पर ओहो बस अब निकलने वाले हैं। तिजर को देना पड़ेगा धोखा क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं, हमारे पीछे से वो रोना ना शुरू कर दे। तो विवेक की तो जैसे छुट्टी है ही, और तविशी की कल से छुट्टियां पड़ रही है, पता है? नहीं। मतलब कल और परसों में इनकी पीटीएम है, और उसके बाद 10 दिन की छुट्टी है, थोड़ा सा आराम मिलेगा बच्चों को। सारे दिन कंप्यूटर पे पढ़ते पढ़ते ना परेशानी हो जाते हैं लोग। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और कल रात को बारिश हुई है मालूम? हवा तो पता है, बारिश नहीं पता हम लोगों को, क्योंकि हम तो दूसरी चीजों में लगे रहते हैं, बच्चे को सुलाने में और इस में। नहीं हम कल नीचे गए थे थोड़ा सा वॉक के लिए, हम जैसे रात को जाते हैं ना, तो थोड़ी सी हाँ हवा चली और बारिश भी हुई, दोनों काम हुए कल। लेकिन मुझे लग रहा था आज ना अच्छा सा मौसम हो जाएगा, अच्छा तो हुआ है लेकिन वैसे वाला नहीं हुआ। नहीं अच्छा मौसम तो बड़ा खुला है, लेकिन यार वो बहुत ठंड वाला, पर वो जरूरी है, अगर नहीं आया ना तो पता क्या होगा, गर्मी ही बढ़ जाएगी। मैंने हेयर बैंड लगाया, कैसा लग रहा है? यही लगा कर जाऊंगी मैं। और शिखा ने लगाया सिल्वर वाला। तविशी कैसा लग रहा है मेरा हेयर बैंड, कहाँ गई? अच्छा है, अच्छा है? हाँ। अब चुपके से ठीक है विवेक, चुपके से निकल रहे हैं हम, वो रोना ना शुरू कर, नहीं ना रोएगा, उसको लगा लेंगे ये खेल में, हम जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे। नहीं इतना नहीं, इतना रोता तो नहीं है वो, मास्क वगैरह ले लिया है ना, सब ले लिया, हैंड सैनिटाइजर कह रही थी ना तू लेने के लिए, ये लेके चलेंगे बस। दोनों के हेयर कट हो गए, घर जाकर दिखाएंगे अच्छे से, है ना? यंग सी लग रही हूँ मैं तो थोड़ी। शिखा कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल? मुझे तो बहुत ही हल्का लग रहा है, लग रहा है सर से बोझ ही उतर गया मेरे तो। अच्छा, मैं वैसे भी बोझ नहीं था, बहुत ही पतले बाल हो गए मेरे, पर फिर भी एक अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बदल गई तू तो। बहुत टाइम बाद ऐसा जवानी सी महसूस हो रही है। मैं तो बहुत टाइम से बुढ़ापे की तो पूंछ लिए घूम रही थी मैं तो अभी विवेक से पूछा भी नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, पूछूंगी थोड़ी देर बाद। नहीं अभी आप सामने ही पूछो, फिर वो बोलेंगे ऐसी तो लग रही है जैसे पहले लगती थी। हाँ यही जवाब होगा, सही कहा। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया मुझ में, क्योंकि
छोटे ही रहते हैं बाल, लेकिन फिर भी बहुत हल्का लग रहा है। वेट एकदम से ना छोटा सा ही बाल कट कराओ, लेकिन क्या होता है कटिंग के बाद ही एकदम से ऐसा लगता है कितना सारा बोझ हट गया। नहीं बहुत हल्का हल्का लग रहा है। अब सर्दियाँ है ना, हेयर वॉश करने में भी आलस नहीं आएगा। लंबे बाल में तो फिर ऐसा लगता है कि अरे बाप रे ठंड लग जाएगी, लेकिन अब नहीं लगने वाली। अब तो छोटे छोटे से बाल हैं, जल्दी से वॉश करो जल्दी सूख जाएंगे। अभी मैंने पूछा नहीं विवेक से, विवेक क्या बोलते हैं, विवेक से पूछते हैं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। विवेक कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं, छोटे हो गए काफी? काफी लंबे हुए, लंबे ठीक है ना, थोड़े से नीट एंड क्लीन से हो गए है ना। अच्छा लग रहा है। पहले हम जहाँ गए थे ना अपनी कटिंग के लिए, वहां पर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, मेरी और शिखा हम दोनों की थी। लेकिन वहां जाके, वहां पता क्या हुआ, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली उन दोनों से, उन दोनों मतलब हम दोनों की, उन दोनों को, उन लोगों को हो रखी थी अपॉइंटमेंट, ठीक है, और वो किसी और के कलर और बालों की कटिंग वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद जब हमने पूछा हमारी अपॉइंटमेंट है, तो कह रहे कि नहीं आपकी तो है ही नहीं। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है नहीं है, हमने लेकिन कॉल किया था, उन्होंने अपने कॉल रिकॉर्ड वगैरह देखे तो हमने कॉल कर रखी थी। फिर हमने कहा आप क्या करोगे, तो कह रहे कि नहीं अभी तो होगा नहीं, क्योंकि हम एक का कलर कर रहे हैं और एक की हमें वो करनी है, स्ट्रेट करने हैं बाल, कल वेनसडे को आ जाओ। फिर हमने कहा छोड़ो, फिर हम वेनसडे का थोड़ा ना वेट करेंगे। फिर हम लोग फिर कहीं और जाके फिर करा के आ गए, आज ही टाइम मिला। फिर बार बार ना एक बार निकला नहीं जाता है, एक ही बार में निकल जाओ और काम करा लो तो होता है, नहीं तो फिर ना बाद में कभी और कभी और चलता रहता है। बाहर निकल गए थे तो सोचा कि ये काम तो करके ही निकलेंगे, और फिर शिखा के साथ तो बेबी वाला साथ है ना, तो उसके लिए और भी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि बच्चा क्रैंकी ना हो रहा हो और सबको परेशान ना करे। आज वो खुश था तो विवेक ने अच्छे से संभाल लिया। तो बाकी मुझे अपने बाल अच्छे लग रहे हैं, आप भी मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा मेरा हेयर कट। और ये पीछे से लेयर से आगे थोड़ी सी उसने यहाँ पर वो फ्लिक्स बोलते हैं वो दी हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा लंबे नहीं रखी। यहीं पे अपने वीडियो का एंड करूंगी, छोटा सा ही है। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।